हेलो फ्रेंड वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन आज हमने खत्म किया है हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फोर्थ यूनिट और इस यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम आपके लिए लेकर रखे हैं एज अ मॉडल क्वेश्चन पेपर चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन वन से जहां पर हमको बात करना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन जो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपको पता है कि आपका जो पेरीफेरल सिस्टम है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़ करके इसके अलावा जो भी आ जाते हैं वो इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं ऑप्शन दिया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोबिक नर्वस सिस्टम बोथ ए एन बी एंड नन ऑफ द एवब देखिए नर्वस सिस्टम के दो महत्वपूर्ण पार्ट है पहला है आपका सोमेटिक और दूसरा है ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक मतलब होता है एक ऐसा पार्ट जिसके ज्यादा सारे फंक्शन अपने आप होते रहते हैं आपका कोई भी वहाँ पे विल पावर काम नहीं करता तो सोमेटिक मतलब जिसमें आप हाँ अपना कंट्रोल कर सकते हो तो दोनों अल्टीमेटली सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है केवल सी में तो हमारा राइट आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नर्वस सिस्टम गवर्नस द प्रिंसिपल ऑफ फाइट और फ्लाइट देखिए ये जो चीजें हैं फाइट वाला और फ्लाइट वाला यानी कि लड़ने वाला और भगने वाला ऐसे रिस्पॉन्स हैं जो कि आपके अपोजिट सिचुएशन में आपको सिंपैथी देने का काम करते हैं और सिंपैथी देने वाले सिस्टम को हमने पहले डिस्कस किया है उसे कहते हैं हम सिंपैथेटिक सिस्टम तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं है ऑसोमैटिक सिस्टम पेरीफल नर्वस के सिस्टम का एक पार्ट है लेकिन उसके अंदर अगर आप देखोगे चूँकि स्पेसिफाइड किया गया फाइट और फ्लाइट वाला तो ऐसा एक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगा तो हमारा राइट right आंसर है ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके बाद

सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ऑप्शन है आपका ब्रेन स्टेम दूसरा है आपका सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तीसरा है आपका बोथ ए एंड बी एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द एव तो राइट आंसर हमारा ये है ब्रेन स्टेम में भी ओरिजिनेट होता है सैक्रल सेगमेंट में भी ओरिजिनेट होता है इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड दिस इज द राइट आंसर सी अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियल नर्व सप्लाइज द रेडियल नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है आपके पास अलग अलग ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आपका पोस्टीरियर आर्म दूसरा ऑप्शन है आपका फोर आर्म तीसरा ऑप्शन है आपका हेड और चौथा ऑप्शन है all of the above. तो ये जो है है वो supply किया जाता है आपके, आपके हैंड में भी होता है और ये सारे ऑप्शन आपको डी ऑल ऑफ मिल रहे हैं तो दिस विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स द मेजर नर्व ओरिजिनेट वाया द लंबर प्लेक्सेस इज पहला है आपका फेमोरल नर्व दूसरा है आपका ऑप्टूरेटर नर्व तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ द एवब तो हमारा जो आंसर होगा वो फेमोरल भी है और ऑप्टूरेटर भी है और ऐसा ऑप्शन आपको फिर से सी में दिख रहा है इसलिए हमारा राइट right आंसर होगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर सी अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच टाइप ऑफ नर्व आर ऑल फैक्ट्री नर्व ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किस तरीके का जो नर्व है वो ऑल फैक्ट्री नर्व है ऑप्शन है आपका मोटर नर्व दूसरा है आपका मिक्स्ड नर्व तीसरा है आपका सेंसरी नर्व और चौथा है आपका ईफ्रेंड नर्व देखिए मोटर मतलब क्या होता है जो कि किसी भी मैसेज को आपके ब्रेन से पर्टिकुलर पार्ट part तक लेके जाए मिक्स मतलब जिसमें दोनों के फंक्शन हो सेंसरी मतलब होता है जो किसी भी पर्टिकुलर जो मैसेज है उसको सेंस करे और आपके ब्रेन तक लेके जाए और ई फ्रेंड का दूसरा नाम मोटर ही है यानी कि पहला और आपका आखिरी एक ही जैसा है तो यहाँ पे मिक्स्ड में तो दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे इसलिए यह भी नहीं है तो राइट आंसर है आपका सेंसरी नर्व तो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड नर्व इनमें से कौन सा मिक्स्ड नर्व का एग्जांपल है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए है आपका ट्राइजेमिनल नर्व दूसरा है ऑप्टिक नर्व तीसरा है आपका एबडुसेंट नर्व और चौथा है आपका ऑडिटरी नर्व तो ये मिक्स की बात है वह आपका ट्राइजेमिनल नर्व ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा राइट आंसर विल बी ए अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज क्रेनियल नर्व तो ठीक है बट सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व कौन सा है ऑप्शन ए है आपका ट्राइजेमिनल नर्व ऑप्टिक नर्व ऑल्फैक्ट्री नर्व और आपका ऑप्शन नंबर डी वो है आपका ऑडिटरी नर्व तो जो सबसे बड़ा है क्रेनियल नर्व उसका जो राइट right नाम है वह आपका ट्राइजेमिनल नर्व एंड दिस विल बी द राइट आंसर आंसर ए दसवें क्वेश्चन ओर मूव करते हैं द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व यहां पे पूछा था सबसे बड़ा लार्जेस्ट अब ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन ए है आपका ट्राइजेमिनल नर्व दूसरा है वेगस नर्व, तीसरा है आपका चौथा है, है तो ऑप्शन आंसर, आंसर पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है विच नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व आर ऑप्टिक नर्व यानी क्रेनियल नर्व का कौन सा नंबर यानी कि कौन से नंबर का क्रेनियल नर्व आपका जो ऑप्टिक नर्व है उसको रिप्रेजेंट करता है यहां पे भी आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहा है ऑप्शन है फोर्थ नंबर सिक्स्थ नंबर सेकंड नंबर और नाइन्थ नंबर तो क्रेनियल नर्व का जो नंबर होता है वो होता है आपका सेकंड तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर उसके बाद अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द एवरेज डायमीटर ऑफ द कॉर्निया कॉर्निया का जो एवरेज डायमीटर है वो कितना होता है ऑप्शन ए है 11 से 12 सेंटीमीटर ऑप्शन बी है 19 से 20 सेंटीमीटर ऑप्शन सी 23 से 24 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन 30 से 31 सेंटीमीटर तो हमारा जो राइट right आंसर है वो है ए यानी कि 11 से 12 सेंटीमीटर यहां पे भी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होते डू नॉट कंटेंट ये याद रखिए डू नॉट कंटेंट ऑप्शन है आपका कॉर्निया दूसरा है आपका लोब्यूल तीसरा है आपका स्क्लेरा और चौथा है आपका रेटिना तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राइट right आंसर है ए कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव लाइट एंड कन्वर्ट द लाइट इंटू न्यूरल सिग्नल ये तो आपको पता होगा कितने भी सेंस ऑर्गन है वो सेंस को एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद उसको न्यूरल सिग्नल में बना करके कन्वर्ट करके आपके ब्रेन को भेज देते हैं आपके ऑप्शन है आयरिस दूसरा ऑप्शन है स्क्लेरा तीसरा ऑप्शन है रेटीना और चौथा ऑप्शन है आपका कॉर्निया सो राइट आंसर इज सी रेटीना क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ द एक्सटर्नल अकोस्टिक मेटस आल्सो कॉल्ड जो अकोस्टिक मेटस होता है कान के पास कान के बाहरी पार्ट में उसे हम किस नाम से भी जानते हैं सो ऑप्शन नंबर ए आपका सेमी सर्कुलर कैनाल दूसरा है आपका ऑरिट्री कैनाल तीसरा है आपका सेमील्यूनर केनाल और चौथा है आपका हेवर्सियन केनाल तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑडिटरी केनाल ये भी याद रखिएगा सीधा सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मिडिल एयर इनमें से कौन सा पार्ट मिडिल एयर के अंदर आता है ये भी आपकी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है पहला है आपका पिन्ना दूसरा है आपका ऑडिटरी ऑसिकल्स तीसरा है लोब्यूल और चौथा है आपका कॉल तो राइट right आंसर है आपका ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व आर वेस्टिब्यूलो को किलर नर्व ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन है टेंथ नंबर ऑप्शन बी थर्ड नंबर ऑप्शन सी एट्थ नंबर और ऑप्शन डी ट्वेल्थ नंबर तो राइट right आंसर होगा हमारा सी

इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द मैस्टोइ बोन लोकेटेड बिहाइंड एयर कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मैस्टोइड बोन को अफेक्ट करता है जो की आपके कान के पीछे साइड में पाया जाता है ऑप्शन एक है आपका ग्लाकोमा यह तो नहीं है क्योंकि ग्लौकोमा आइस को अफेक्ट करता है दूसरा ऑप्शन है आपका प्रेस बाइक्योसिस तीसरा ऑप्शन है आपका मेस्टोटाइटिस तीसरा ऑप्शन है आपका प्रेस बायोपिया तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आपका आई से अफेक्टेड है तो ये तो चले गए तो राइट आंसर होगा हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर सी आखिरी क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज इसका दूसरा नाम क्या है पहला है आपका कंजक्टिवाइटिस दूसरा है आपका प्रेस बाइक्योसिस तीसरा ऑप्शन है आपका हॉर्डियोलम और चौथा ऑप्शन है आपका ऑस्टोक्लेरोसिस सो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी ये है आपका हॉर्ड

तो राइट आंसर है हमारा सी तो ये जो पहला सेगमेंट था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अगर आप इन सारे एमसीक्यू कोई गुनाक्यूज को सॉल्व गुना करना चाहते हैं तो हमारी ये किताब है एमसीक्यूज इन फिजियोलॉजी रिटन बाय मी इसे आप देख सकते हैं ये आपको एमेजॉन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा सेक्शन नंबर टू है लॉन्ग आंसर टाइप

लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के अंदर एक्सप्लेन ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके न केवल फार्मेसी बल्कि दूसरे कॉम्पिटिंग एग्जाम में भी पूछा जाएगा इसलिए इनके नंबर याद रखने चाहिए आखिरी सेक्शन सेक्शन नंबर थ्री शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है क्लासिफाइड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम विद डायग्राम क्लासिफिकेशन देना है एक्सप्लेन डिजीज ऑफ ईयर कौन कौन से डिजीज होते हैं ईयर में वो आपको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एज अ सेंस ऑर्गन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन सिंपैथेटिक रोल इन दी बॉडी ये सिंपैथेटिक सिस्टम तो पूछ जरूर रहा है लेकिन केस ऑफ होमियोस्टेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम दोनों में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल कैसे आपको स्मेल पता चलती है एक्सप्लेन माओपिया एंड हाइपरोपिया थ दियर ट्रीटेंट मेथोलॉजी यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और सिंपेटिक में डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस डिजीज ऑफ सेंस ऑर्गन इन शॉर्ट यहाँ पर पहले तो नाम दे दिया लेकिन आपको सभी डिजीज के बारे में बताना है जो आपके सेंस ऑर्गन के अफेक्ट करते हैं लेकिन शॉर्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसका क्या काम है रेस्ट डाइजेस्ट और क्या क्या है लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व विद देयर नर्व नंबर ऊपर भी पूछा था लेकिन उसमें आपको नंबर पूछा था कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं पूछा था यहाँ पे क्रेनियल नर्व उनका नंबर और उनके फंक्शन के बारे में भी पूछा है तो ये था हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने यूनिट फोर्थ को कवर किया है और इसमें वो सारे क्वेश्चन देने की कोशिश करी है जो कि आपके मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन क्वेश्चन को अगर आप ऑनलाइन के फॉर्मेट में अटेंड करना चाहते हो ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्म में अटेंड करना चाहते हो लाइव देखना चाहते हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही कितने गलत कितने आपको मार्क्स मिले कितने कितने क्वेश्चन को आप दोबारा करेक्ट कर सकते हो तो वो सब पॉसिबल है ऑनलाइन एम सी के फॉर्म में हमारे ऐप पे डाउनलोड कीजिए स्वेश्चन फॉर्मी का मोबाइल ऐप उसके बाद एच एपी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के दो ऑप्शन है एक फुल कोर्स है जिसमें वीडियोज नोट्स एम भी है वो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं या तो केवल एम का कोर्स है आप केवल उसे ही ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो नमस्कार टेक केयर